वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आई रेडी होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइज, हम लोग आज मतलब फिर से निकल पड़े एक इवेंट की ओर, जा रहे हैं हम लोग चित्रकूट की। अनु हाई कर दो हमारे ऑडियंस को। और ये है हमारे प्यारे भैया और ये है रॉक स्टार अर्जुन। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गाइस ऑटो से कहाँ पर, बैरागढ़ स्टेशन, और फिर हम सीधे आपको वहीं पे मिलेंगे। ट्रेन में मिलेंगे अगर टाइम रहा तो, उससे पहले भी बात कर लेंगे, अगर नहीं रहा तो सीधे ट्रेन में मिलेंगे बैठने के बाद। तो बने रहे मेरे इस प्यारे प्यारे से ब्लॉग गाइस। हमारे अर्जुन सर अपने ट्यूनियन के बेबी से बात कर रही है। बच्चे का कलम है बेटा। सो गाइस गुड मॉर्निंग, क्योंकि समय हो रहा है 3:13 और गुड मॉर्निंग मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे लिए गुड मॉर्निंग है। और अनु, पर गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत अच्छे से सोई है। जितना भी लेटे लेटे आई है हम लोग, हमारी जो सीट थी वो कन्फर्म नहीं हुई थी, एक हुई थी, दो हुई थी, जहाँ तक कहाँ तक हुई थी वो भी मुझे नहीं पता। तो अभी हम लोग यहाँ पर चित्रकूट यानी कि हमारे श्री राम जी के नगरी आ चुके हैं, हम लोग पहुँच गए हैं। और अभी हम लोग, हमें जो होटल हमें मिलने वाला है वो 9 मिलेगा। और सर को ऐसा लगा था कि शायद हम लोग समय पे पहुँच जाएंगे, तो हम दोनों वही सोच रहे कि काश हम नाइट में निकलते भोपाल से। नाइट में निकलते तो हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाते, 3-4 वही हो जाता। क्या हुआ हम लोग के साथ, और सर हमको बोले बेटा तुम लोग खाना खाओ और सो जाओ, सरप्राइज़। तो ये था सरप्राइज़, हमें पता था ऐसा कुछ तो सरप्राइज़ मिलेगा, पर इतना यानी गाइस 3 और हमें 9 तक वेट करना पड़ा। अब सब लोग गए बाहर, हो सकता है कोई होटल देख ले, शायद गए हैं। अब जैसा भी होता है आप लोग इस ब्लॉग में बने रहो, मज़ा आएगा। और शायद हो सकता है मंदिर जाए, कन्फर्म नहीं है, तो ये तो सुनने को मिलेगा ही आपको। स्टेशन है तो क्या हो सकता है। और आपको मैं गाइस भीड़ दिखा रही हूँ, भीड़ अभी रुकी है, ये अपनी ट्रेन है। तो सो आप देख ही सकते हो, मुझे नहीं पता था गाइस कि चित्रकूट में ऐसे ये वाली जो स्टेशन है, इतने सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है, मेला इस्तीमा कहते हैं ना, इस्तीमा ऐसा लग रहा है दादा इस्तीमा का वो सामान बेच रहे। सो का दो। सो गाइस देखो गुड मॉर्निंग फाइनली, क्योंकि मॉर्निंग हो चुका है। और यहाँ पर देखो जो हमारे कमल भैया है, मंकी को चिप्स खिला रहे हैं। गाइस ये कंटेंट हमें मिल गया है, मंकी को चिप्स खिलाने का। हेलो गाइस, हम लोग रास्ते में रेलवे स्टेशन से सीधा जा रहे हैं रामगढ़। काफी अच्छा लग रहा है। सो गाइस बहुत ज्यादा थक गए हैं, हालत सबकी डाउन है। काफ़ी दूर आए हैं चित्रकूट में आए हैं, और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा चुल मच रही है, क्या बोलना क्या है। नाश्ता हम लोग का आ रहा है, और देखो अभी क्या क्या आ रहा है हम बताएंगे आपको। सो गाइस मैं तो ये ब्रेड पकौड़ा खा रही हूँ, चटनी, और इन लोग समोसे खाएंगे, है ना। नाश्ता करने जा रहे हैं और अब इसके बाद हम लोग को होटल जाना है, तो होटल के निकल के रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। रेस्ट करने के बाद फिर वापस मिलते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा सा प्रैक्टिस दिखाएंगे आज के, हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं आज। गुड भरा तो अच्छा था। हाँ यस, तो बने रहो। हम लोग निकल रहे हैं चित्रकूट, जो मेन गेट है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पर नाश्ते के बारे में पूछ रही थी सर से, बट दूसरे भैया ने कुछ बोला जो कि उन्हें नहीं बोलना था, तो बस। ये चित्रकूट का गार्डन है, गार्डन है तो क्या, राम स्वरूप वाटिका, श्री राम स्वरूप वाटिका। तो जब भी चित्रकूट में आइए तो जो शादी करेगा प्लीज ये जगह बुक कीजिए। फाइनली हम
लोग पहुंच गए होटल और अभी हम लोग होटल में जाएंगे और रेस्ट भी करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है हमारा होटल जहाँ हम स्टे करेंगे, आज हमारा प्रोग्राम है। फर्स्ट है ये और असेंबली, ये है हम लोगों का रूम, क्योंकि आज हमें दिन भर यहाँ पर रेस्ट करना है, देन इवनिंग में हमें प्रोग्राम करके फिर निकलना है भोपाल की ओर। सो यहाँ पर मैं अपना सामान थोड़ा सा निकाल रही थी और देखो ये भैया बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सोया कोई भी नहीं, इसलिए वो आके सो गए। और मैं थोड़ा सा चार्जर वगैरह निकाल रही हूँ और रूम काफ़ी बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया है। हाय 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 गाइस, फाइनली हम लोग रूम पे आ गए होटल पे, तो अब रेस्ट करेंगे सब लोग, बहुत ज्यादा थक गए और एक इनको देख लीजिए तो आते ही लेट गए, तो हम रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा हेडेक वाला डे है और प्रैक्टिस हमें हमारे सर करवाएंगे जो अभी कैमरा पकड़े हुए है सर। तो रूम बहुत, हमें जो रूम मिला है ना गाइस, बहुत ही अच्छा मिला है, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग सोचे कि कुछ रील्स भी बनाएंगे, क्यों सर? सर बाहर का वो व्यूज भी दिखा दो, कॉटन कॉटन एक फाइनली काफी अच्छा है यहाँ पे। गाइस हम जब से इनके साथ काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे जगह जाने को मिल रहा है और हम, मुझे ऐसा लगता है अभी तक सर बेस्ट एंड बेस्ट मिला है, बट ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा। तो बस हम लोग ऐसा काम करते रहे और इंजॉय करते रहे बस, और ये सोते रहे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। बाय बाय। हाँ तो फाइनली वॉशरूम भी देख लो, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग रील्स बनाएंगे, फोटोज। रूम बहुत ज्यादा अच्छा है। फाइनली कॉफ़ी बन के आ चुकी है हमारी, और ये मेरी कॉफ़ी एंड ये अनु एंड यस यो। तो हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं और हमारी, सॉरी नाम भूल गई थी, कल्पना भी सो रही है, दिखाती हूँ। तो ये कल्पना सो रही है मस्त सोते सोते। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं खाना खाने के लिए। मैं अभी सो कर उठा हूं और अर्जुन शर्मा शूज पहन रहे हैं और ये रेडी है अनु। सो गाइस अभी बज रहे हैं 2:50 और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। और अभी हम लोग सो के उठे, सर तो गए थे मीटिंग के लिए और हम लोग अभी फ्री हुए, तो मैं तो नींद में थी, जल्दी से उठी तो रेडी हुई। अब हम लोग जा नीचे खाना खाने फिर मिलते हैं। ये देखो ये अपनी जान से बात कर रहे हैं अपनी बीवी से। एक्सक्यूज मी गाइस, यहाँ पर एक हमारे माननीय काली भैया चुप्पा चुप्पी। एक्सक्यूज मी गाइस रुके रुके गाइस, अबे चुप, तुम ऐसे क्यों हो गाइस? बहुत मस्ती हो रही है, हमने डांस प्रैक्टिस भी अच्छे से किया। वहाँ पर सर अपनी जान से यानी कि उनकी वाइफ से बात कर रहे हैं, बहुत मस्ती हो गया, क्या बताऊँ मैं सीरियसली। सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग चित्रकूट आए थे और हम लोग का बहुत अच्छे से इवेंट हो चुका है, बहुत मज़ा आया ना भैया? मज़ा आया तो आई नो, तो बहुत अच्छे से हमने इवेंट किया और अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। आज हमने कुछ नए नए
चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया और काफ़ी हम लोगों ने मज़ा किया। तो आगे का चीज़ मैं नहीं बता पा रही थी, और हाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी, हम लोग चित्रकूट मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, हम इतने ज़्यादा थक गए थे, कोई भी नहीं सोया, कुछ लोग सोए थे, थोड़ी बहुत मैं सोई थी, थोड़ी बहुत इतनी सी, लोग इतनी इतनी सोए, मेरी इतनी सी सोई, और हमारे जो सारे अर्जुन सर वो बिल्कुल भी नहीं सोए, बोले उनको ही कौवा काटे, बोले गाइस इनको ही डॉग ये काट काट करता है तो इनको इग्नोर मारे। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहाँ एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग मंदिर बिल्कुल नहीं गए, और हम लोग अभी रात के बज रहे हैं 3:10 3:08 और हम लोग जा रहे हैं फिर से भोपाल की ओर, और हम लोग का सुनिए तो कहाँ देख के टाइम बताते हैं, मैं तो अपने हाथ को देख, हम नहीं सुधरेंगे, वो तो हमें पता है, इनको खुद को पता चल टैग ले लेके घूमते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। तो बस इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, सो बाय, गुड नाइट, एंड आप लोग कह सकते हो मुझे हैप्पी जर्नी, हम सबको बाय।